व्यूअर्स, आठवां सालाना डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी क्रिकेट टूर्नामेंट आज इसका फाइनल मैच आपकी नजरों के सामने चेची क्रिकेट ग्राउंड पर ये शानदार मेला सजाया, जिसका तमाम तरह क्रेडिट जो है वो मुस्तफी स्टूडेंट मूवमेंट को जाता है, जिन्होंने यहाँ पर आठवां सालाना डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया। और यहाँ पर मुबारकबाद में पेश करता हूँ कि MSM के साथ भरपूर तावन रहा हमारे हांगकांग में तहरीके में राजू कुरान के अजीम साथी जिनमें चौधरी तैयार महमूद है, उनके साथ अपना फैजान खान ऑफ लकोड़ी है, और उनके साथ हमारे जैद भाई हैं, इन्होंने जो थ्रू आउट MSM के साथ भरपूर तावर किया। अगर बात की जाए UK की तो वहाँ पर हमारे हरदिल अजीज दोस्त फाद खान मौजूद हैं, इन्होंने भरपूर तावर किया MSM के साथ। अगर बात की जाए दुबई की तो वहाँ पर GM मलिक साहब गुलाम मुर्तजा कादरी साहब जो है वो मौजूद है, उन्होंने भी MSM के साथ भरपूर तावर किया। और इस वक्त MSM के ऑर्गेनाइजर इस टूर्नामेंट के फैसल शहजाद खान हमारे साथ मौजूद है। ये फैसल खान ओवरसीज जो हमारे दोस्त है अहबाब है जिन्होंने आपके साथ भरपूर तावर किया है, आप उनके बारे में क्या कहेंगे, जिनमें फैजान खान ऑफ लकोड़ी है, उनके साथ जो रिटायर साहब है और हमारे दोस्त है जिन्होंने बाहर से जो है खुद कॉल की है और MSM के साथ भरपूर तावर का यकीन दिलाया है, तो उनके लिए आपके क्या जज्बात है? जी चौधरी अब्दुल रशीद साहब, माशाल्लाह जितने भी फॉरेन कंट्रीज से हमारे जो दोस्त अहबाब है, जो रिटायर साहब फाद शहजाद साहब और तमाम जो भी हमारे साथी हैं, उन्होंने अपने कायद हुजूर शेख उल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी से अपनी हकीकत का इजहार किया है। मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ उनका कि उन्होंने हमारे साथ इतना तावन किया और हम ऐसा एक बड़ा मेगा इवेंट जो कि हर साल हम करवाते हैं, इस साल उनके तावन से मजीद हमको आसानी हो गई उनकी तरफ से, मैं बहुत ज्यादा उनको अप्रिशिएट करता हूँ। जी हाँ, वंस अगेन हम अपने तमाम जो ओवरसीज तहरीके मिलाद उन-नबी के पाकिस्तान अवामी तहरीक की है, जो भी हमारे ओवरसीज दोस्त है अहबाब है भाई, उन तमाम का शुक्रिया अदा करते हैं। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, आठवां सालाना आलमी सफीर अमन डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी टूर्नामेंट का आज का फाइनल, और इसमें हमारे साथ बहुत ज़्यादा तावन किया है वहीद खान ने, उनसे हम पूछेंगे कि आज के जो टूर्नामेंट है इस हवाले से कि ये किस तरीके से जो है वो नौजवानों के लिए कितना जो है वो मुफीद साबित होगा। जी वहीद खान बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, फैसल खान साहब बड़ी मेहरबानी, अस्सलाम वालेकुम। पहली गल मैं तो एक अनपढ़ आदमी हाँ, मेरे पास इतनी तालीम नहीं, आपने इतना बड़ा मौका मुझे दिया है, मेरी तो यही सिर्फ सोच है अपने तहसील सतह तक कि हमारे इलाका छछ इस वक्त मंशियात या बुराइयाँ या जुएबाज लोग जो गंदे लोग जो हमारे तहसील हजरों में, मैं सबसे पहले तो जिला अटक DPO साहब से अपील करता हूँ और DSP साहब और SHO साहब आगे, ये जो गंदे काम हो रहे हैं इन पर तवज्जो दी जाए, और ये हमारे इलाका छछ के जो सकावत है, ज्यादा तो हम कबड्डी के शौकीन है, हर साल मैं अपने गांव चेचिया में कबड्डी कराता हूँ 14 अगस्त के हवाले से, और ये आज बड़ी खुशी हुई है कि डॉक्टर साहब के नाम पर आप आज हमारे गांव में चेचिया में आप क्रिकेट का मैच करा रहे हैं, जो बच्चे खेलेंगे या जीतेंगे या हारेंगे उनकी अपनी किस्मत है, मैं उनको दाद देता हूँ कि वो कोशिश करें, मेहनत करें और इन बुराइयों से बचें। और मेरा जित तक तावन है, मेरा एक दोस्त है हांगकांग में होता है नटोपे गांव का खनफ सरहान, अभी उसने कॉल की, ये कहता है इन बच्चों को एक इनाम मेरी तरफ से दे दें, लजपाल ग्रुप खनफ सरहान नटोपा पक्का इनाम, और 24 घंटे आप मुझे कॉल करें जिस टाइम भी हमारे दरवाजे पर। अमन का पैगाम दुनिया को दिया है, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? फैसल भाई, मैं तो पहले भी आपसे को बताया कि मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ, मेरे पास इतनी तालीम नहीं कि मैं कोई सवाल का जवाब दे सकूं, डॉक्टर साहब दीनी लिहाज नाल मुझे पूरे पाकिस्तान में सबसे अच्छे लगते हैं, मैं डॉक्टर साहब को सलाम पेश करता हूँ और आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, यासिर भाई का बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मलिक नसीम साहब अपनी टीम का तारीफ करवाएंगे मौजूद मेहमान है ग्रामी के साथ, और उसके बाद हमारी जो आज की मेहमान टीम है टायर क्रिकेट क्लब, उनके कैप्टन टायर जो है वो अपनी टीम का तारीफ करवाएंगे। टायर टायर है क्यों?
आज के मैच के मेहमान खसूसी पहले पूछे समंदर साहब का नाजिम बल्दिया आलिया कराची, उनके साथ डॉक्टर मोहम्मद नईम आवान साहब का नाजिम, उनके साथ चौधरी मकसूद जनरल कौशल स्लो वार्ड नंबर 7 और उनके साथ एमएसएम के सदर एहसन मुस्तफी और उनके साथ राज मीर साहब, तमाम मेहमान करानी से गुजारिश है कि वो फोटो सेशन के लिए थोड़ी देर यहाँ पर खड़े रहे। राइट आर्म और विकेट बॉल करेंगे। ठीक है जुबैर को प्ले बॉल, पहला बॉल पहला स्टॉप 6 रन के लिए शानदार आवाज, वन फ्लाइंग स्टार्ट। अगला बॉल अच्छा काम बैक किया लेकिन एक रन के लिए वापस आए, बहुत ही शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट और सेम काफी आगे आ गए थे, बिल्कुल ब्लाइंड रनिंग। hazro.com पर देख सकते हैं। अब इसका अगला बॉल जोरदार विकेट खेलने के लिए कहते जैन, हालांकि बहुत बड़ा गैप सामने मौजूद है, ऑन साइड पर काफी ज्यादा यूज गैप मौजूद है क्योंकि सिली पर कोई फील्डर नहीं है। अगला बॉल इस पर तो ब्लाइंड एंड हिट करने की कोशिश में जैन हिट हुए, इस वक्त हमारे साथ इलाका चार्ज की एक मंजी हुई शख्सियत जो कि साबिक उम्मीदवार रहे हैं पंजाब असेंबली के, मेरी मुराद डॉक्टर नईम साहब, डॉक्टर नईम आवान साहब वो हमारे साथ मौजूद है काइट के स्पेशल इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए। तो डॉक्टर साहब आप हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिर कादरी साहब की शख्सियत के बारे में जो है आप क्या राय देंगे कि किस किस्म की शख्सियत जो है डॉक्टर मोहम्मद ताहिर कादरी साहब की उनकी खिदमत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इंतहाई मजद फैसल खान, मेरे भाई मकसूद, वहीद खान, समुंदर खान, इशफाक साहब, तारिक इस्तम साहब और तमाम खिलाड़ी और दोस्त, अस्सलाम वालेकुम। मैं इसलिए भी तारिक गाजी साहब का मद्दा हूँ कि वो हमारी कायद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के पीर थे और मुझे याद है कि उस जमाने में तारिक गाजी साहब की दावत पे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने मैंने हजुल कुरान की बाकायदा मेंबरशिप हासिल की थी और उसके बाद हमें भी हदायत आई थी कि आप लोग भी मेंबरशिप हासिल करें और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी मिनाजुल कुरान तहरीकी मिनाजुल कुरान का मेंबर हूँ। नायब की शख्सियत तो एक आलम फाजल, एक मदब्बर सियासतदान और एक इनकलाबी सियासतदान की हैसियत से मैं समझता हूँ कि मुल्क को ऐसे ही सियासतदानों की ज़रूरत है और यही लोग निज़ाम को तब्दील करेंगे और यही लोग यहाँ तब्दीली लाएंगे और तब्दीली आएगी तो गरीब आदमी का भला होगा और तब्दीली आएगी तो महरूम और पिछड़े के तबकात का भला होगा। मेरी तमाम दुआएं मोहतरम कारुल कादरी साहब और उनकी टीम के साथ हैं। बमा लेना लल बुला बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा डॉक्टर नईम आवान जो कि हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिर अल कादरी मदरसा वाली के ऊपर जो है वो उनके इजारे ख्याल कर रहे थे। आपसे चंद मोबाइल रिफ्रेशमेंट के बाद हम खान समुंदर खान साहब से भी आप लोगों का जो है वो बात करवाएंगे और ये तमाम तर जो क्रेडिट है वो आज एमएसएम को जाता है कि जिन्होंने यहाँ पर काइंड डे का टूर्नामेंट का इनका करवाया। सबसे पहले मैं एमएसएम का शुक्रिया अदा करूंगा और उनको मुबारकबाद दूंगा इतना प्यारा टूर्नामेंट का इनका करने में और उसके बाद जीतने वाली टीम को मुबारकबाद पेश करूंगा
और रनर अब जो टीम रही उनके लिए मुराड़िया की टीम है उनके लिए ये पैगाम है कि जीतना हारना ये मैटर नहीं करता, असल जो चीज देखी जाती है वो आपकी स्ट्रगल जो हमने यहाँ पे बैठे हुए देखा। हर खिलाड़ी ने अपनी कोशिश भरपूर तरीके से की लेकिन जाहिर है हर मैदान में जीत हार का एक सिलसिला जरूर चलता है और एक टीम जीतती है और एक हारती है। उसके बाद मैं जो फैसल साहब एमएसएम के जो सदर है तहसील हजरों के खसूसन उनको मुबारकबाद पेश करूंगा कि ये जो हर साल एक मेला से जाते हैं नौजवानों को ग्राउंड्स की तरफ रागिब करने में ये बहुत ही प्यारी एक काबिश है कि हमारे नौजवान जब ग्राउंड्स में आएंगे ऐसी एक्टिविटीज में हिस्सा लेंगे तामीरी किस्म की तो ये दूसरे मनफी मामला से दूर रहेंगे, मनफी रुझानात से दूर रहेंगे, इनके अजहान बुरी चीजों से दूर होंगे, गेमों की तरफ आएंगे। और कहा जाता है कि जहाँ के ग्राउंड आबाद हों वहाँ के हॉस्पिटल खाली रहते हैं, यही वजह होती है कि खेलने वालों की सेहत तंदुरुस्ती के साथ साथ उनकी ज़हनी सलाहियत भी अच्छी तरह बहुत उजागर और बेहतर रहती है। दूसरी बात डॉक्टर मोहम्मद तारिक अली साहब के बारे में कहा गया वो एक हमजे शख्सियत है, हर मैदान में हर मामले में उन्होंने इस कौम की खुसूसन उम्मत मुस्लिमा की पूरी तरह हदायत की और खासकर मौजूदा सूरत हाल में दहशतगर्दी के हवाले से जो उनकी खिदमात वो नाकाबिले फरामोश है। उनका फतवा 2010 का दहशतगर्दी के हवाले से वो भी काबिले गौर भी है, काबिले मुतालिया भी है और अब जो उन्होंने एक निसाब दिया मैं समझता हूँ कि वो हर पढ़े लिखे बंदे को उसको पढ़े भी और उसकी कोशिश की जाए, उसको इम्प्लीमेंटेशन भी की जाए और अपने नौजवानों को बताया जाए कि इस्लाम का दहशतगर्दी से दूर का भी वास्ता नहीं है। आखिर में मैं तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगा और खसूसन एमएसएम का भी शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने मुझे यहाँ पे दावत दी और मेरी हौसला अफजाई की। थैंक यू।